अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये जचेगा उसमें। क्या हो रहा है? बहुत प्यारा है अम्मी, सच पूछे तो मुझे अरशमान की शादी की इतनी खुशी है। लेकिन बच्चों के साथ बाजारों में कहाँ घूमा जाता है। आपा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, अम्मी के साथ मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी अम्माद को कोई एतराज नहीं है। एतराज तो वासिफ को भी नहीं। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई की शादी की खुशी बड़ी बहन को नहीं होगी तो और किसको होगी? आपा ये देखें, अरशमान के लिए ऐसा सहरा मैं लूंगी, और डिजाइनर से शेरवानी भी। क्यों? सहरा और शेरवानी तो बड़ी बहन का हक होता है ना, तुम क्यों लेके आओगी? अम्मी आप कुछ और ले लीजिएगा ना। मैं क्यों कुछ और लेके आऊं? मैं सहरा और शेरवानी ही लेके आऊंगी। नहीं ना, तुम सिर्फ सहरा ले आना, वासिफ पर इतना बोझ मत डालो, अकेला कमाने वाला, बच्चे भी हैं। तो क्या हो गया अम्मी, अब वासिफ के पास इतने भी कम पैसे नहीं है कि मैं बड़ी बहन होने का हक अदा ना कर सकूं। बेटा मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों पर बोझ पड़े, लेकिन तुम हो के बात को पता नहीं कहाँ ले जाते हो। अम्मी मेरा एक ही भाई है, अब मेरा शौक है तो मैं पैसों को क्यों देखूं? वासिफ इतना अच्छा तो कमाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मलिहा, मैंने तुम्हें अलहदा से कुछ पैसे दिए थे अम्मी के जोड़े बनवाने के लिए, अरशमान की शादी के लिए। हाँ वो मैंने अम्मी से पूछा था, अम्मी ने मना कर दिया, वो कह रही थी कि उनके पास बहुत फैंसी जोड़े हैं, तो फिर मैंने अपने लिए जूते ले लिए। अरे मलिहा क्या करती हो, तुम्हें उनसे पूछने की क्या जरूरत थी, वो तो ऐसे ही कहती है ना कि हमें पैसे बचाने चाहिए, तुम उनको लाके दे देती। मुझे नहीं पता तुम्हारी अम्मी की साइकिक। अच्छा खैर छोड़ो, तुम सूट लेने कब जा रहे हो? मैं सूट नहीं ले रहा, वो बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बस पैंट शर्ट पहन लूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है, वलीमे पे सब सूट पहनेंगे? नबिया के शौहर को देखना कैसे इतराता फिरेगा, डिजाइनर का जोड़ा पहना है। और मेरा मियां, नाक नहीं कट जाएगी मेरी, सस्ती सी पैंट शर्ट में जाएगा जब। ठीक है मैं वही वलीमे का सूट पहन लूंगा। ओके कतन नहीं, अपना साइज देखें, बदल गया है, तंग होंगे। मलिहा इंसान शादी में खुशी के लिए शामिल होता है और अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़े बनाता है और खुश होता है। अपनी भाई की शादी की खुशी को खुशी रहने दो, टेंशन मत बनाओ। सबको अपनी पड़ी है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। नबिया को देखे हर वक्त अपने शौहर के झंडे गाड़ती रहती है, और तुम आप ये देखें सुच्चे तिल्ले का काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और बताओ कैसी चल रही है अरशमान की शादी की तैयारियाँ? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब हो गया, बस छोटी मोटी तैयारी रह गई है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगी। कैसे जल्द मुकम्मल नहीं होंगी, सारे काम छोड़ के बस अरशमान की शादी में तो लगे हुए। हाँ भाई, बहने होती किस लिए, हाँ बहने तो करती है भाई की शादी की तैयारियाँ, और दूल्हा का जोड़ा बहने करती है ना, अरे वो रस्म है ना, जो दूल्हा की शेरवानी होती है ना वो बहन की तरफ से होती है। अरे नफीसा ये तो फजूल की रस्में हैं, ये तो हमने बनाई हुई है, फजूल की खर्चे हैं ये। मैंने मलिहा से कह दिया है कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, देखो ना बहनों को बेटियों को दिया जाता है, उनसे लिया थोड़ी जाता है। चाची अरशमान की शेरवानी मैं लेके आ रही हूँ, बता दिया मैंने अम्मी को, शेरवानी भी किसी डिजाइनर की होगी। अरे मलिहा तो बहुत महंगी होगी ना फिर। हाँ तो मेरा इकलौता भाई है, पैसों की कौन परवाह करता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं चलो अल्लाह खैर करे कि बाकी के काम भी सब खैर आफियत से ही हो जाए। ये वासिफ की तनख्वाह बढ़ गई है? हाँ चाची पूरे 1,00,000 रुपए हो गई है, और वैसे भी मैंने थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी रखी हुई है, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। हाँ भाई चलो अल्लाह खैर रखे, सारे काम खैर आफियत से हो जाएं,
अरे भाई टेलर से कपड़े उठाने हैं ना मुझे, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनो तुमने मुझे तो नहीं बताया कि वासिफ की तनख्वाह बढ़ गई है। अम्मी आप देख नहीं रही थी चची कैसे तंज पे तंज किए जा रही थी, और क्या कहती मैं। अब वासिफ के दफ्तर जाके थोड़ी पूछेंगी वो। अल्लाह बेटन, फजूल रस्मों में पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, ये तो हम सबकी बनाई हुई रस्में हैं, ये तो छोड़ ही देनी चाहिए, गरीबों का फायदा हो जाएगा। अम्मी आप मुझे क्यों एहसास दिलाती रहती हैं कि मेरे शौहर की सैलरी कम है, मेरी जो सारी कजने जो बड़े बड़े घरों में ब्याही हैं, देखना उन सबसे अच्छे जोड़े मेरे होंगे, और नबीहा जो हर वक्त अपने मियाँ की बिजनेस के गुण गाती रहती है देखती रह जाएगी। मलिहा अपना मुआवजा दूसरों के साथ क्यों करते हो बेटा, इंसान की इज्जत अच्छा पहने उड़ने से नहीं बल्कि इंसान की इज्जत अच्छे इखलाक और आला किरदार की वजह से होती है। इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक पहनना उड़ना चाहिए, इसे में उसकी इज्जत है। झूठी शान शौकत से इज्जत कम हो जाती है इंसान की। दुनिया दिखावा ही देखती है अम्मी, अब इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि अपने भाई की शादी का जोड़ा ना ले सकूं। अरशुमान की शेरवानी मैं ही लेके आऊंगी, और अगर आपने मना किया ना तो मैं शादी पे नहीं आऊंगी। अरे ला बेवजह की जिद कर रही है ये बच्ची, कौन समझाए इसे। नफीसा को भी ना ये बात करने की जरूरत ही क्या थी भला, फजूल में रस्मों में डाल दिया है। मलिहा अम्मी कहाँ हैं, खाना नहीं खाएंगी क्या। मैंने अम्मी से पूछा था, वो कह रही थी उनका दिल नहीं चाह रहा, आप शुरू करें। अच्छा चलो मैं पूछ कर आता हूँ, शायद उनकी तबीयत नहीं ठीक। बेटा सारा दिन तुम ऑफिस में रहते हो, घर आकर भी ऑफिस खोल लिया, शादी वाला घर है इतने सारे काम पड़े हुए हैं, कुछ कामों के लिए भी वक्त निकाल लो। ठहरे अम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अम्मी, किसी किस्म की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ कपड़े मुनासिब सा जेवर, और अबीरा को मैं बोल दूंगा शादी के बाद वो कुछ ड्रेसेस बनवा लेगी। प्लीज आप जानती हैं मुझे दिखावा पसंद नहीं है, और अम्मी प्लीज वो जो भरी का दिखावा होता है ना वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए चाय भी बात है। ठीक है अम्मी। आ जाए खाना ठंडा हो रहा है। मलिहा मलिहा तुमने मुझे बताया नहीं कि अम्मी के 4 दिन से इंसुलिन खत्म है, हालांकि वो तुम्हें पहले बता भी चुकी हैं। आप खुद ही तो कह रहे थे कि हालात तंग हैं, बजट आउट है, आप कुछ अफोर्ड नहीं करते, उस पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपसे कहने की, और तुमने ये सब कुछ जाके मेरी माँ के सामने कह दिया कि मेरे आजकल हालात तंग हैं, मैं उनको महंगी मेडिसिन नहीं दिला सकता। तुमने मुझे मेरी माँ की नजरों में गिरा दिया। मलिहा मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी शॉपिंग इस घर के दूसरे अखराजात उन सबसे बढ़कर मेरी माँ की मेडिसिन है, आइंदा ऐसी गलती मत करना समझी। अच्छा ठीक है आप खाना तो खा लें। खाने से ज्यादा जरूरी उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, जानती हूँ उनकी शुगर कितनी हाई थी। ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ। चले कोई जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा ना, तुम खाना खाओ बैठकर। अम्मी मलिहा आपे की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आपी। अरशुमान तुम कल मुझे घर से पिक कर लेना और अच्छी सी शेरवानी पसंद कर लेना। अरे आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कोई ड्रेस बनवा लूंगा, आप प्लीज घर को देखें और अपने आप को देखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। क्या मतलब घर और बच्चों को देखें, अब तुम्हारी बहन इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि तुम्हारे लिए एक शादी का जोड़ा ना ले सके, तो
तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं ही लेके आऊंगी, बस कह दिया। अरे आप ही तुम्हारे मयार की ही बनवाऊंगी भाई, देखना सारे खानदान वाले वाह-वाह करेंगे। आपा मैं तो कह रहा था कि मैं खुद कोई ड्रेस बनवा लूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है इस तरह की रस्मात में पढ़ के परेशान होने की। और आपकी और वासिफ भाई की शमूलियत ही काफी है मेरे लिए शादी में। एक तो तुम पूरे खानदान में ना मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हो। बोला है ना शादी का जोड़ा मैं ही लेके आऊंगी, तो मैं ही लेके आऊंगी बस। चले ठीक है, शाबाश। गुस्सा है ना, माफ कर दो, आइंदा से आंटी का ख्याल रखूंगी, प्लीज गुस्सा थूक दो। +300 था अम्मी का शुक्र, खुदा खास्ता तबीयत ज्यादा खराब होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम जानती हो कि मैं अम्मी के मामले में किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। कहाँ ना आंटी का ख्याल रखूंगी, मूड तो ऑफ ना करें प्लीज। अगर तुम ये बोल दी थी कि मैं दवा का कहना भूल गई थी तो मुझे इतना बुरा ना लगता। पता नहीं तुमने अम्मी के सामने क्या अजीब बातें की हैं। आप खुद बार बार बजट आउट होने का जिक्र कर रहे थे और बार बार मेरे शॉपिंग करने पे इतराज कर रहे थे कि तुम्हारी शॉपिंग की वजह से सब कुछ हुआ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या घूम रहा था कि अल्लाह जाने मैंने अम्मी के सामने क्या क्या कह दी। अच्छा माफी मांग रही हूँ मैम, मूड ऑफ करें, बोला ना इनका ख्याल करूंगी, मूड तो ठीक कर दूँ, थूक दो गुस्सा प्लीज। आपने खाना भी नहीं खाया, चलो चल के खाना खाओ। पैंतीस हजार वाली इतनी प्यारी भी नहीं है। ये वाली कितनी है? चेक 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 60,000। कीमत तो बहुत ज्यादा है लेकिन शेरवानी बहुत आला है। उफ, इतनी प्यारी है। लेकिन इतनी प्यारी है, पूरा खानदान देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। ये शेरवानी क्यों देख रही हूँ? देख रही हूँ, खरीद तो नहीं रही ना। ये अर्शमान ने तुम्हें कहा है देखने के लिए? तो अश्वान को अपनी शेरवानी खुद खरीदनी चाहिए। अच्छा अगर मैं अम्मी को देखना तो तुम ऐसा करो कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ और वापसी भी अश्वान को बोलना वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ओके जी। बहुत प्यारी है, लग रही है मिल जाए। वैसे आप ही मैं आपसे फिर से ये कहूंगा कि आप मत लीजिए। वैसे भी मुझे इस तरह की दिखावे वाली रस्में बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं ले लूंगा ना अपने लिए कुछ भी सिंपल सा कुर्ता पजामा। ये मेरी और वासिफ की खुशी है अरशमान, तुम मत रोको हमें इससे। हमारा इकलौता भाई है, हमें अपनी खुशी पूरी करने दो। पैसा तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे ना, कहा तो है।
ठीक है, जैसा आप कहें। चलो। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके लिए। थैंक यू। बहुत प्यारी लगती है मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। खुश रहा करो। शादी के बाद मियां बीवी की खुशियां और गम एक हो जाते हैं। अगर एक खुश हो तो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है, और जब एक उदास हो तो दूसरा गमज़दा हो जाता है। इसलिए जब तुम बेचैन होती हो तो मैं भी बेचैन रहता हूँ। आपको अजीज है ना मेरी खुशी। तो फिर 60,000 का बंदोबस्त कर। अरशमान की शेरवानी मैं लेके जाऊंगी। ये रस्म होती है, बहनें ही तो लेके जाती हैं। मेरे भाई की शादी का तोहफा है। मलीहा, तुम क्या कह रही हो? रस्मों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि इनकी खातिर अपनों को आजमाइश में डाला जाए। हाँ, अगर अरशमान माली तौर पे कमजोर होता तो इस बारे में सोचा जा सकता था। वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, वो अपनी शादी का खर्चा अफोर्ड कर सकता है, तो हम महज दिखावे के लिए खुद को आजमाइश में क्यों डालें? हाँ, मैं नफीसा चची से बात कर चुकी हूँ। अब तक बात पूरे खानदान में फैल चुकी होगी। कितनी बेइज्जती होगी अगर मैं नहीं लेके गई तो। नहीं मलीहा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। देखो, मेरी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपए है। पहले तुमने शादी की शॉपिंग पर सारे पैसे खर्च कर दिए, हमारा बजट भी आउट हो गया घर का। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा 60,000 रुपए? और जब अरशमान अपनी शादी का खर्चा अफोर्ड कर सकता है तो तुम क्यों जिद कर रही हो इस बात पे? नहीं पता, आप शेरवानी मैं ही लेके जाऊंगी। वो भी 60,000 रुपए वाली, 35,000 रुपए वाली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़ा देखा था, कितना सस्ता कपड़ा लगाया था। बेगम साहबा, 60,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊँ एक साथ? अपने किसी दोस्त से उधार मांग ले, 2-3 महीने में वापस कर देना। घर का बजट भी चल जाएगा, पैसे भी वापस हो जाएंगे। देखो, मांगी हुई चीज से दिखावा करने से कभी इज्जत नहीं बनती। नहीं पता, ये सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी इज्जत का सवाल है। ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो मैं कुछ करता हूं। सच? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई, मैं तो बरी का सामान देखने के लिए आई हूँ, और खास तौर पर दुल्हा का जोड़ा। तो ये देखे ना, ये शेरवानी, और ये देखे साथ कुल्ला भी लेके आए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है ये तो, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वासिफ तो इतना खुश हो रहे थे खुद जाके पसंद किया उन्होंने। और भाई, वासिफ क्यों नहीं खुश होगा, हकलौता तो साला है उसका। हाँ, जैसे ये अरशमान है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। जी चाची जान, अरशमान भाई के फ्रेंड्स आए हैं, वो उनके पास हैं। अच्छा भाई, बहुत अच्छा है सब। और ये तुमने बहुत अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। न्यू अराइवल है चाची, मैंने तो अपने भाई की शादी पे अपने सारे अरमान पूरे किए। इतने जोड़े खरीदे, जिस जोड़े पे हाथ रखती थी ना मुझे वासिफ, वो दिलाते थे। और अरशमान की शेरवानी भी मैं लेके आई, बड़ी बहन हूँ, हक तो अदा करूँगी। और पैसा होता किस लिए? इसीलिए तो होता है कि इंसान अपने सारे चाव पूरे करे। जाओ, बहन के लिए चाय लेकर आओ। जी अम्मी। खोल के दिखाओ। नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं।
मलिहा कहाँ रह गई है? मलिहा कहाँ है? पता नहीं अम्मी, अभी आती होंगी। मलिहा बेटा आ भी जाओ, कितनी देर लगाओगी? सॉरी बहुत देर हो गई। दूल्हा कहाँ है? कब जाना है बारात में? मेहमानों को देख रहा है, अभी आ रहा है। अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। अरे माशाल्लाह, हो गई सब तैयारी? जी जी हो गई। अरे मलिहा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये मैंने वहीं से लिए जहाँ से अरशमान की शेरवानी नहीं ली थी, उसी डिजाइनर का है। पता है आजकल ये डिजाइनर बहुत इन है, थोड़ा महंगा लेकिन देखिए ना इसके कट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए यहाँ से। हाँ, सूट तो वाकई बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। चची जान निम्रा क्यों नहीं आई? वो निम्रा की बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उसका आना थोड़ा मुश्किल हो गया। कोई बात नहीं। अरे चची बच्चे तो हमारे भी हैं, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है तो मैनेज करते हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे पैसे देने हो या लिफाफा देना हो वहाँ बंदा बहाना ही कर लेता है कि बच्चे बीमार हैं। नहीं मलिहा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी तो बात है, निम्रा हमेशा ये करती है। कभी उसके बच्चे बीमार हैं, कभी शोहर बीमार है, कभी घर मेहमान आ गए हैं, कभी शोहर को काम से जाना है, सिर्फ इसलिए कि लेन देन ना करना पड़े। खैर हम ही बच्चों वाले हैं, थोड़े बहुत दे देने चाहिए। हैं झूठी शान शौकत दिखाने से तो बेहतर है ना कि इंसान कोई बहाना करके अपने चादर में सिमटा रहे। झूठी शान? मगर हमने तो कभी दिखावा नहीं किया चची जान। ये तो तुम मलिहा से पूछो ना। वैसे मलिहा बुरा मत मनाना, तुम तुम्हें देख के कहीं से नहीं लगता कि तुम वहीदा की बेटी हो। तुमने अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए अपने शौहर को दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया। वासिफ बेचारा, उसे मेरे दामाद से पैसे उधार मांगे तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, और वो उसी निम्रा का शौहर है जिसे तुम बातें सुना रही थी। अरे क्या फायदा ऐसी झूठी शान शौकत का, इंसान अपनों के सामने शर्मिंदा हो जाए। हाँ तुम जानती हो ना ये बात कि तुम्हारा शौहर मेरे दामाद का बहुत अच्छा दोस्त है। क्या फायदा ऐसी झूठी शान शौकत का और ऐसे दिखावे का कि अपनी ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए जाएं। अरे तुम जानती हो तुमने अपने आप को अजियत नहीं पहुंचाई बल्कि अपनी इस झूठी शान शौकत को दिखाने के लिए और इस दिखावे के लिए अपने शौहर की इज्जत नफ्स को भी मजरूह किया है। अरे कम से कम निम्रा झूठ तो नहीं कहती ना, और ना ही वो इस झूठ की वजह से किसी मुश्किल में पड़ती है। इंसान को अपनी चादर देख के ही पांव फैलाने चाहिए। मलिहा मैं नहीं जानता था कि इफ्तिखार अपनी बीवी को सब कुछ बता देगा। मैंने बहुत कोशिश की पैसों के इंतजाम करने की, लेकिन जब नहीं हो पाया तो मुझे मजबूरन उसी से मांगना पड़ा। और तुमने भी तो पैसों की जिद लगाई हुई थी, पैसे पैसे पैसे, क्या करता मैं बताओ? लोगों की जबान कौन पकड़ सकता है? तुमने झूठी शान शौकत के लिए अपने शौहर को दूसरों के आगे परेशान किया। मलिहा ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। बेटा मैंने तो हमेशा तुम लोगों को यही दरस दिया कि अल्लाह की रजा में खुश रहना सीखो, वो जिस हाल में रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जब इंसान उसका शुक्र अदा करता है तो कम में भी बरकत हो जाती है। बेटा
अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, दिखावा करने के लिए नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है तो तब भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। पहनो, ओढ़ो, खाओ, पियो, अपने ऊपर खर्च करो अपनी हैसियत के मुताबिक। अपनी चादर से ज्यादा पाँव मत फैलाओ। अच्छा आंटी, चले छोड़े इस बात को। हाँ, मेरे लिए आपकी और वासिफ भाई की मोहब्बत ही सबसे बड़ा तोहफा। जो कुछ हुआ सबको भूल जाइए और मुझसे वादा करें, मुझसे वादा करें कि आप खुद को और अपनी सोच को बदलेंगे, कि आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशी और मोहब्बत होगी, दिखावा नहीं। मैं अभी आया। चलो चुप हो जाओ, आप खुशी का मौका है, आंसू साफ करो, अब रोने से क्या हासिल। अभी ये ना, ये लिफाफा चाची को दे दीजिएगा और उन्हें कह दीजिएगा कि निमरा और इफ्तिखार भाई को वापस कर दें। ये ना, अपने आंसू पोंछे और मुझे सहरा पहनाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुनामी आ जाए और मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग जाए। पागलनाथ, कैसी बातें कर रहे हो तुम।